नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक इजी चैनल। मैं हूं शंकर और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। तो दोस्तों, हम सीख रहे थे फोटोशॉप के बारे में और ये चल रहा था हमारा जो पिछला पार्ट चला, जो 18 जो अध्याय चला उसके बाद में, उसमें हम सीख रहे थे टेक्स्ट टूल के बारे में। तो इसी अध्याय में जो टूल्स के बारे में सीख रहे थे, तो मैंने कहा था कि दो वीडियोज बनाने होंगी अच्छी तरह से टेक्स्ट को समझने के लिए, इसकी बेसिक बेस को समझने के लिए। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपका फोटोशॉप ट्यूटोरियल पार्ट 19 में 19वें अध्याय में, और इसमें हम टूल्स के बारे तमाम टूल्स के बारे में सीख रहे थे। हमने पिछले वाले सारे के सारे ऊपर वाले जो इस टूल पट्टी में आ रहे हैं वो सारे सारे टूल सीख चुके हैं, और यहाँ से जो पेन टूल के बारे में हम सीखेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में, और टेक्स्ट टूल की जो बेसिक प्रॉपर्टी है मैंने कल समझा ली थी, और यहाँ से हम ओरिजेंटल टाइप टूल के बारे में समझ रहे थे, और ओरिजेंटल टाइप की जो बेसिक प्रॉपर्टी थी ऊपर वाली वो तो मैंने आपको समझा दी थी। अब इसमें जो थोड़ा बहुत एडवांस लेवल है वो मैं आपको समझाऊंगा, और एक्चुअली अब आप फिर से कमेंट डालोगे कि इसमें 3D टेक्स्ट वगैरह बहुत ज्यादा डिजाइनिंग होती है, बहुत 3D टेक्स्ट वगैरह डलते हैं, तो ये आपकी यहाँ पर काम नहीं आने वाली। एक्चुअली वो काम आएगी एडवांस सीरीज में, हम जब चलेंगे जब वो काम आएगी वहां पर, जहां पर हमें जो वेडिंग एल्बम है वो बनाने हैं वहां पर ज्यादा थोड़ी काम आएगी। तो मैं वहां पर आपको बता दूंगा कि 3D टेक्स्ट के डिजाइन कहाँ पर करनी है, यहाँ पर आप बेसिक सीखते जाइए, क्योंकि अभी मैं बता दूंगा आपके मन में है कि यार ये चीज बढ़िया है ये सीखेंगे, लेकिन बेसिक तैयार कीजिए आप यहाँ पर, तभी जाकर वो एडवांस लेवल समझ में आएगा। समझ में तो आ जाएगा लेकिन आप जल्दी भूल जाओगे अभी भी, लेकिन और वीडियो भी काफी लंबी बन जाएगी, इसलिए उसको समझने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखिए। मैं सारे वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मेरा वादा आपसे कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। फोटोशॉप में आपके लिए जो बैनर वगैरह है उनके लिए जो जरूरी टेक्स्ट होते हैं वही मैं अभी यहाँ पर बता रहा हूँ, और जब बैनर और पोस्टर्स पर हम चलेंगे तो वहां पर थोड़ा बहुत और बता दूंगा लेवल। तो चलिए चलते हैं, कंट्रोल एन फ्रेश करके न्यू फाइल ले लीजिए, और ये देखिए कोई न्यू फाइल आ जाती है हमारे पास में, और इस तरह से न्यू फाइल आ गई, और यहाँ से हमको टेक्स्ट ले लेते हैं। इसके ऊपर टेक्स्ट जो मैंने सिलेक्ट किया है वो यहाँ से देखिए, आप मैं यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, आप ध्यान रखिएगा लेयर बार में, यहाँ पर आप ध्यान रखिए जैसे ही क्लिक करता हूँ देखिए न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। कल कहा था क्यों हो गई थी, ये देखिए इस तरह से, और इसकी साइज जो है हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कितनी भी ले लीजिए, ये मान लीजिए हम 48 ले लेते हैं, देखिए इतनी ज़्यादा बढ़ गई, और यहाँ से मैं 72 ले लेता हूँ तो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ से कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे हम वही टाइप कर लेते हैं न्यू टेक ईजी, ये मान लीजिए न्यू टेक ईजी, ये देखिए। अब इस पर इसकी सारी प्रॉपर्टीज को समझते हैं, यहाँ से जो सिंपल प्रॉपर्टीज है वो मैं रहने देने वाला हूँ, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बार बैकग्राउंड पर चलते हैं, उसका कलर एल्ट बैक स्पेस से चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए कोई ब्लू कलर, इस पर ब्लू तो नहीं जचेगा हमको, ग्रीन कलर वगैरह रेड कलर ही इस पर कर लेते हैं। तो आपको क्या करना होगा, एल्ट के साथ बैक स्पेस की दबानी है जैसे कि मैंने पहले कहा था, इस तरह से कलर हो जाएगा ताकि आप जो इफेक्ट है वो अच्छी तरह से समझ में आए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट वाली लेयर पर क्लिक करना है, जिस भी टेक्स्ट में इफेक्ट डालना है उस पर, और ऑप्शन में जाना है। तो इस वीडियो में इसकी जो स्पेशल इफेक्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर आपको दिखेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन, तो ब्लेंडिंग ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ब्लेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक करोगे, इस तरह की आपके सामने प्रॉपर्टीज एक ड्रॉपडाउन मेन्यू के रूप में, एक डायलॉग बॉक्स के रूप में खुलकर आपके सामने आ जाएगी, और इन सभी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन करके हम समझेंगे, और यही स्पेशल इफेक्ट डालना आप इस तरह से सीख जाएंगे। सिंपली सबसे पहले मैं आपको जो पहली प्रॉपर्टी बताता हूँ वो है ड्रॉप शेडो। एक्चुअली ड्रॉप शेडो का यूज कहाँ पर होता है, ड्रॉप शेडो का यूज बहुत सी ऐसी जगह होता है जहां पर हमें टेक्स्ट के पीछे शेडो, आप देख रहे हैं ड्रॉप शेडो यानी छाया डाल, टेक्स्ट के पीछे थोड़ा सा उसे उभारना, उसकी छाया दिखानी है, तो उसके लिए इसका यूज होता है। और इसकी जो सेटिंग्स है वो समझते हैं, यहाँ से सिंपली क्या है, ब्लेंड मॉडल यहाँ से आपको हमेशा नॉर्मल रखना है, तभी ये इफेक्ट अच्छे से काम करेंगे और सारे इफेक्ट। और यहाँ से ओपेसिटी वगैरह आप देख लीजिए, ओपेसिटी क्या होती है मैंने पिछले 2-3 अध्याय से लगातार बताता रहा हूँ, और यहाँ से जो आपकी फील ओपेसिटी है वो यहाँ से आप ज्यादा कम डाल सकते हैं, इसकी फीलिंग जो है ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जो रेड ग्रीन ब्लू है इससे मिलकर ये जो बना है इसे तो रहने दे, और यहाँ से जो सेलो डीप और जो लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, कुछ कुछ पर ये अच्छा से इफेक्ट करेगा, कुछ पर अच्छा नहीं इफेक्ट करेगा, हर टेक्स्ट पर हर कलर पर अच्छे से इफेक्ट नहीं डालेगा, ये ऑप्शन ऐसे ही रहने दे, कोई खास नहीं है इनमें। और यहाँ से आप जैसे चेंज करोगे वहां से आप जो छाया है उसका जो कलर है वो वगैरह वगैरह आप इस यहाँ से थोड़ा वो चेंज कर सकते हैं ग्रेडियंट के रूप में, बाकी मैंने ग्रेडियंट वाले टूल में आपको समझाया था कि क्या होता है एक्चुअली इसका यूज। और इस तरह से थोड़ा सा देखिए बेक रहने दीजिए, और यहाँ से आप इसको करके देखिए कि क्या क्या इफेक्ट इनसे पड़ता है, बहुत ही इजी है इसको यूज करना शेडो वाले को। तो चलिए शेडो वाला तो हो गया, बहुत आसान था इसका, देखिए रेड वाले कलर में मिक्स हो चुका है इस तरह से। तो ये अलग अलग बैकग्राउंड पर अलग अलग इफेक्ट डालेंगे, उसका आप टेंशन न ले, ये आपको करके देखना पड़ेगा कि बैनर के अकॉर्डिंग बनते हैं ये सारे के सारे टेक्स्ट इस तरह से। तो यहाँ पर तो आप ज्यादा टेंशन आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है,
और यहाँ से आप न्यू स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि एडवांस लेवल की बात है। यहाँ से जैसे आपके सामने नेक्स्ट आ जाता है इनर शेडो। एक्चुअली इनर शेडो को समझने के लिए पहले ऊपर वाले को हम हटा देते हैं, जो भी टेक्स्ट जो इफेक्ट था उसका। इनर शेडो का एक्चुअली अर्थ क्या होता है? इनर शेडो का अर्थ होता है मतलब आपको जो बैकग्राउंड है, कोई फोटो है, कोई पिक्चर है, उसके अंदर टेक्स्ट को धसा देता है, उसके अंदर जो गड्ढे से कर देता है और ऐसे उभार कर लेता है। मान लीजिए किसी मिट्टी में आपने नाम गोदा हो अपनी अंगुली से, तो इस तरह से आप बोलते हैं तो क्या होता है कि वो अंदर की तरह बनता है, इस तरह का इफेक्ट हमारे सामने आता है। यहाँ से इसकी क्या क्या सेटिंग्स है वो समझ लीजिए। ब्लेंड मॉडिफाई पर आपको सिंपली यहाँ से हमेशा नॉर्मल रखना है और अब ये इफेक्ट अच्छे से काम करेगा। और यहाँ पर कोई कलर चेंज कर दीजिए, मान लीजिए यहाँ से ग्रीन कर देते हैं और ग्रीन पर क्लिक करते हैं। देखिए इसके अंदर जो शेडो आ रहा है वो ग्रीन कलर का आ चुका है। और यहाँ से हम जो है इसको ओपेसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। देखिए आप देखेंगे कि इसके अंदर जो गड्ढा हुआ था उनमें थोड़ा थोड़ा जो है ग्रीन कलर आ चुका है। यहाँ से आप इसका एंगल वगैरह चेंज कर सकते हैं। इस एंगल से इसके हर टेक्स्ट पर तो नहीं पर कई कई टेक्स्टों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर थोड़ा इफेक्ट कम पड़ रहा है तो क्योंकि बैकग्राउंड के कलर के कारण हो रहा है। देखिए यहाँ से आप इसकी जो डिस्टेंस है वो जैसे आप चेंज करेंगे तो इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छी तरह से इसका लुक आएगा। ये देखिए जो रेड ग्रीन आ रहा है वो इस तरह से आएगा। देखिए ये देखिए डिस्टेंस वगैरह चेंज करके देख लीजिए। यहाँ पर चौक जो आप देखेंगे चौक स्केल, तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए देख लीजिए जो बेटर लगे वही सिलेक्ट होता है। एक्चुअल टेक्स्ट में मैं आपको फिक्स नहीं बता सकता कोई भी बात के बारे में, आपको ये फिक्स नहीं बता सकता कि ये टेक्स्ट ये इफेक्ट ही डालता है, क्योंकि ये अलग अलग टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, अलग अलग बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है, अलग अलग इमेज पर डिपेंड करता है। थोड़ा थोड़ा आप यूज करके देखेंगे तो एक या दो दिन में या फिर एक या दो दिन आप प्रैक्टिस करोगे टेक्स्ट पर, खुद ही आपको पता लगने लग जाएगा। एक्चुअली पता तो मुझे भी है लेकिन मैं बता नहीं पा सकता, क्योंकि इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो आप करके देखिएगा, एक दो दिन में खुद को पता चलने लग जाएगी हाँ कैसे बैकग्राउंड पर किस तरह से होता है इफेक्ट, किस टेक्स्ट का किस तरह से असर होता है। तो सिंपली मैं आपको ऑप्शंस के बारे में बता रहा हूँ क्या करते हैं ये ऑप्शन। ये देखिए इस तरह से आप इसको जो है काउंटर डाल सकते हैं। काउंटर का भी बहुत ज्यादा यूज होता है इस टेक्स्ट पर, जो हर टेक्स्ट पर काउंटर बेहतर वर्क नहीं करता, किसी किसी पर बहुत ही अच्छा वर्क करता है। यहाँ से यदि आप और जो है काउंटर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको लोड काउंटर कर सकते हैं या फिर प्रेजेंट मैनेजर। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे जो है लोड कर सकते हैं यहाँ पर अपने हिसाब से। और इसके बाद में जो आ जाता है इसे तो हम हटा देते हैं। और इसके बाद में जो आ जाता है वो है ओटर ग्लो। एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं कट करता हूँ और इसको फिर से जो है टेक्स्ट को सिंपल कर देते हैं। और यहाँ से बैकग्राउंड पर जाके समझते हैं थोड़ा सा, वो सेटिंग थोड़ी सी चेंज हो गई थी इसी कारण वो हमारे साथ प्रॉब्लम है, इस पर समझते हैं। तो आप देखेंगे ओटर ग्लो, आउटर ग्लो का यूज ही बहुत ज्यादा यूज होता है। एक्चुअली आउटर ग्लो का यूज कहाँ पर होता है? आउटर ग्लो का यूज होता है आपने कोई बैनर बना दिया, कोई पोस्टर बना दिया, कोई कवर बना दिया, तो आपका बैकग्राउंड में मिलता जुलता कलर यदि टेक्स्ट का कलर है तो उसे अच्छे से दिखाने के लिए उसके चारों तरफ जो बॉर्डर दिया जाता है उसको बोलते हैं आउटर ग्लो। तो उसको ग्लो को ये देता है। देखिए यहां से मैं जैसे कोई ले लेता हूँ व्हाइट ले लेता हूँ, ये मान लीजिए यहाँ से मैंने व्हाइट लिया। और अब आप इसकी जो है इसको समझने के लिए सिंपली इसकी जो नॉइस वगैरह है वो आप चेंज कीजिए। यहाँ से आपको नॉर्मल करना है, सॉरी नॉर्मल करेंगे तभी ये इफेक्ट वर्क करेंगे अच्छी तरह से। वर्क तो वैसे भी कर लेंगे लेकिन अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाएंगे। ये देखिए आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है अपने हिसाब से जो है कलर वगैरह जो पैटर्न है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं। और आप टेक्स्ट में इफेक्ट देख रहे होंगे कि किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है, थोड़ा बारीकी से देखिए दिख रहा है, शायद आपको प्रॉब्लम आ रही हो कि अच्छे से दिख नहीं रहा है। ये देखिए अब देखिए इसकी ओपेसिटी बढ़ाकर देखता हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको थोड़ा बहुत फर्क दिख रहा है, इसके चारों ओर बॉर्डर सा आ रहा है, यही बॉर्डर होता है। देखिए यहाँ से जो प्रीव्यू आप देख रहे हैं उसमें देख लीजिए अच्छी तरह से क्या काम करता है। एक्चुअली ये इफेक्ट को पता करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, इफेक्ट यहाँ पर आपको बता देगा कि क्या करना है। और यहाँ से आपको क्या करना है, रेंज जो इसकी जो काउंटर की रेंज है वो कम ज्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले काउंटर सिलेक्ट कीजिए, कोई भी काउंटर करके देख लीजिए अच्छे से अच्छा, और उस पर आप लोड करके देख लीजिए और सॉरी इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ से आप देखिए तो जो भी काउंटर हर टेक्स्ट पर अलग अलग फिट होता है, यहाँ पर वीडियो आपको दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है बैकग्राउंड के कारण, थोड़ा बैकग्राउंड पर अलग अलग इफेक्ट डालता है। और यहाँ से इसकी जो स्प्रिंट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए
इसका जो कलर वगैरह है तो अजीब सा इफेक्ट थोड़ा ये देता है इस तरह से देखिए। और ये जो है थोड़ा सा बेस्ट इफेक्ट के लिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इस तरह से। इसको जो साइज है वैसे चेंज करोगे तो बहुत ही अच्छा देखिए लुक आ रहा है, इसको उठा दीजिए। और इसके बाद में हम इनर ग्लो की बात की थी हमने, इनर शेडो। तो एक्चुअली दोनों का यूज सेम ही होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता, सेम सेम से यूज है, इसलिए इसको मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि उसी की प्रॉपर्टीज में, इनर कुछ शेडो की प्रॉपर्टीज में ये आ चुका था। और देखिए इसकी जो ये प्रॉपर्टीज है इस तरह से जो है व्हाइट कलर में, सॉरी इसको क्लिक करते हैं, और ये देखिए इस तरह से सेम प्रॉपर्टीज है, आप करके देख लीजिएगा, कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। और यहाँ पर बी लेवल एंड ये जरूर देखिएगा, बी लेवल एंड एम्बोस, इसके बारे में समझाता हूँ थोड़ा सा, ये जरूरी होता है। और इस पर क्लिक कर दीजिए और इस तरह से इसकी जो सेटिंग्स है वो हमारे सामने आ जाती है। और इसकी जो, तो एक मिनट थोड़ी सी बात एक और ध्यान रखिएगा, जो ये सेटिंग्स है वो सब में डिफरेंट आती है, आपका फोटोशॉप सीसी या फिर और कोई फोटोशॉप नहीं है, मतलब कोई नया ब्रांड है, तो ये जो सेटिंग है ये वाली ऊपर ही ऊपर आएगी, बी लेवल एंड इम्बोसेस, तो आपको ध्यान में रखना है इनका नाम ही, उसी से आपको इसका पता करना है, पता चेंज करना है। तो एक्चुअली क्या होता है इससे, चलिए देखते हैं। यहाँ से आपको थोड़ी इसकी चेंज करोगे तो आपको टेक्स्ट में दिख रहा होगा कि टेक्स्ट जो है वो उभर कर आ रहा है थोड़ा सा ऊपर की ओर, आप देखिए। एक्चुअली इसको एक बार के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ से हटाता हूँ और जो टेक्स्ट बार है उस पर क्लिक करके देखता हूँ, इसे कट कर दीजिए और इस पर की थोड़ी सी साइज बढ़ा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी लेयर्स जो है दूसरी बन गई, इस न्यू टेक इजी वाली पर आते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, ये लेयर्स बन रही हैं, एक बार के लिए मैंने डिलीट कर देता हूँ। अब लेयर पर कंफ्यूज मत होइएगा कि डिलीट कैसे कर रहे हैं, मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाए हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जो इसकी साइज थोड़ी सी ज्यादा दे देता हूँ मैं, साइज मान लीजिए इसकी 150 दे देता हूँ, तो बहुत ज्यादा हो गई थोड़ी। और तो हम क्या करेंगे, इसकी साइज दे देंगे मान लीजिए 100 दे देते हैं, ये 1000 हो गई, इसको 100 कर देते हैं। और इसको मूव टूल की सहायता से थोड़ा बहुत साइज रिसाइज कर लेते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करके ट्रांसपेरेंट टूल की सहायता से, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, इस तरह से हम कर लेते हैं। और इसको रहने देते हैं, फिर से टेक्स्ट टूल पर ही चलते हैं, अप्लाई कर दीजिए और यहाँ से जो रेगुलर है उसको बोल्ड कर दीजिए। सिंपल कल जो है शो नहीं हो रहा था, वो इसी कारण नहीं हो रहा था, तो यहाँ से देखिए इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, सिंपली कुछ नहीं है, सिंपल है। यहाँ से इसको थोड़ा बोल्ड वगैरह आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग है, वो तो आप नोट पैड वगैरह में भी सीख सकते हैं, बहुत ही वर्ड वगैरह में भी। और यहाँ से फिर से उसी ऑप्शन पर चलते हैं थोड़ा सा बेटर समझाने के लिए आप लोगों को। और यहाँ से आप, हम सीख रहे थे कहाँ पर, इनर ग्लो के बाद में हम आ गए थे बी लेवल एंड इम्बोसिस पर। बी लेवल एंड इम्बोसिस को हम समझेंगे, देखिए यहाँ से आप देखिए इस तरह से इसकी जो नॉर्मल रहना है, और उसके बाद में हम आपको इसका इफेक्ट दिखाते हुए चलता हूँ। तो आप देखिए इसका इफेक्ट देख पा रहे होंगे कि बहुत ही ज्यादा जो है उभरा हुआ हमारे सामने आ रहा है, बहुत ही 3D टाइप में आ रहा है। और यहाँ से जो है यहाँ पर आप इसी की ग्रेडियंट वगैरह डाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी है। मान लीजिए ग्रीन वगैरह हमें डालनी है, तो इधर से थोड़ा ग्रीन वगैरह आप कर दीजिए और बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा इससे, और बहुत ही अच्छा जो है एक इफेक्ट आपके सामने आएगा। ये देखिए, सॉरी सॉरी सॉरी, ये थोड़ा ज्यादा हो गया इसलिए थोड़ा सा ये अंदर चला गया। और इसको फिर से हम जो है उसी पर क्लिक करते हैं और ये देखिए आपके जो बैकग्राउंड में देखिए कितना अच्छे से मैच होकर आपके सामने आ रहा है। इस तरह की बहुत सारी सेटिंग्स है इसके अंदर, जो आप करके देखेंगे तो बहुत अच्छी जो है आप फील्स देंगी। और एक एक पर आप करके देखना है आपको, ये वर्क मैं आप पर छोड़ता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि मैं अभी एक सबको बता तो दूंगा लेकिन आपके सामने क्या हो जाएगा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अभी स्पेशल इफेक्ट थोड़ी बहुत और बताने हैं, तो मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो आप खुद ही करके देखिए, क्योंकि सारे ऑप्शन सेम से ही है। उसके बाद में ये काउंटर है, उस पर काउंटर तो वो अभी समझाया था, वो वाले ही इफेक्ट आ जाते हैं। और मान लीजिए देखिए काउंटर पर चलते हैं, तो काउंटर पर इस तरह से यहाँ से काउंट वगैरह रेंज वगैरह दे सकते हैं। काउंटर क्या होता है अभी पिछले वाले ऑप्शन में तो सीखा है। और यहाँ से जो आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा पैटर्न दे सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कोई पैटर्न है, यदि आपके ऑप्शन में, आपके फोटोशॉप में पैटर्न का जो है बहुत कम आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर बहुत सारे पैटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ से लोड भी कर सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से कोई भी कलर पेपर वाले पेन जो लेना है तो आप पेंट पर क्लिक कीजिए। इस तरह से देखिए बहुत सारे पैटर्न आ चुके हैं, और ये मान लीजिए कोई भी पैटर्न आपको लेना है और इसको फील करना है, तो इस तरह से आप फील कर सकते हैं इसके अंदर। आप इफेक्ट देखिए, थोड़ा बैकग्राउंड के कारण अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन इफेक्ट देखिए आ रहा है, ये देखिए
आ रहा ना बैकग्राउंड पर इफेक्ट, तो आपको ये करके देखना है सारे के सारे। और यहाँ से भी जो इसकी जो है नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको पहले हटा देते हैं सारे के सारे को, ये देखिए इन सभी को हटा देते हैं। और यहाँ से स्ट्रेंथ स्क्रीन पर देखेंगे तो आप इसको मोटा पतला वगैरह जो है ओपेसिटी वगैरह से चेंज करके देख लीजिए, बहुत ही अच्छे ऑप्शन है यहाँ पर। और यहाँ से ये देखिए, ये देखिए आप बहुत अच्छा इफेक्ट इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज कर लेंगे, मान ली ब्लू ले लिया हमने, इस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ से हमेशा आपको नॉर्मल रखना है सबसे पहले, और इस तरह से अब आप करके देखेंगे तो देखिए ब्लू डिस्टेंस आपके सामने आ रहा है। ये देखिए बहुत ही अच्छा इफेक्ट लग रहा है। और साइज में आप इसको चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ये देखिए बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपके सामने आएगा। उसके बाद में जो है कलर और ओवरली, कलर ओवरली एक्चुअल क्या होता है, सबसे पहले इस ऑप्शन पर आते हैं। और इस कलर ओवरली में हम कलर्स वगैरह है जो टेक्स्ट को जो है बैकग्राउंड, तो सॉरी इसको आप पर नॉर्मल रहने देना हो, और यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई खास ऑप्शन दे नहीं रखे, तो आपको सिंपली ये ओपेसिटी वगैरह चेंज करके, इसमें भी थोड़े से इफेक्ट है जो कि मैं आपको थोड़ा सा जब एडवांस में चलेंगे तब बताएंगे, बाकी इसमें अभी तो कोई यूज नहीं है। और यहाँ से ये जो इम्पोर्टेंट सा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आ जाता है वो है ग्रेडियंट वाला। तो ये ग्रेडियंट एक्चुअली क्या होता है, मैंने अलग से वीडियो बनाया था ग्रेडियंट, और यहाँ से आप वीडियो में ग्रेडियंट वगैरह डाल सकते हैं, कोई भी ग्रेडियंट आप ले सकते हैं। मान लीजिए इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ग्रेडियंट बार जो ग्रेडियंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, और ग्रेडियंट डायलॉग बॉक्स की सेटिंग मैंने ग्रेडियंट वाले पार्ट में बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देखिए अच्छे से समझिए इसे, क्योंकि बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज है। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ये जो न्यूटेक ईजी वाला जो नेम है बहुत ही अच्छे से उभर कर आपके सामने रहे। फिर ओके करते हैं और इस पर देखते हैं किस तरह से, ये देखिए बहुत ही अच्छा इफेक्ट डल रहा है। और यहाँ से जो आप क्लिक करोगे, डबल क्लिक कर दीजिए और बना भी सकते हैं आप अपने हिसाब से, कोई भी मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, और यहाँ पर आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। इसके सभी के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया था, थोड़ा बहुत इसमें भी मैं आपको बताते हुए चल लेता हूँ। मान लीजिए कोई भी कलर ले लीजिए, तो यहाँ से कोई कलर ले लेता हूँ मैं इस तरह से, और थोड़ा सा नीचे और चलते हैं, और अच्छे से आप कलर लेकर देख लीजिए। सिंपली कलर लेना तो आपको आता ही होगा, बहुत ही इजी है, ये वाला कलर ले लीजिए। और यहाँ से जो सेकंड कलर है यहाँ पर आप डाल लीजिए कोई भी कलर वगैरह, और यहाँ से आपको क्या करना है, कितने भी कलर ले सकते हैं, 4, 5, 6, 7, जितने आपकी मर्जी हो उतने कलर आप ले सकते हैं। जैसे कोई भी कलर डाल दीजिए यहाँ पर, ये वाला कलर डाल दीजिए, और यहाँ पर जो कलर है वो यहाँ पर ग्रीन डाल दीजिए, थोड़ा बहुत जो है तिरंगे की जो स्टाइल में है वो आ जाएगा। और यहाँ से मैं ग्रीन वाला, तो ये थोड़ा उल्टा बन गया तो आपको इसको मैनेज कर लेना है। ये देखिए नीचे ऊपर से आता है कलर पर नीचे से आएगा, इस तरह से आप बहुत ही अच्छा अच्छा इफेक्ट जो है दे सकते हैं अपने टेक्स्ट में। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ईजी तरीका है टेक्स्ट को एडिट करने का, टेक्स्ट को सीखने का, बहुत ही हाई इफेक्ट है। यहाँ पर पैटर्न ओनली पर मैंने बताया था आपको, पैटर्न बहुत ही ज़्यादा ओपेसिटी में आपको यहाँ से पैटर्न मिलेंगे। ये देखिए सबसे पहले इसको उठा दीजिए ग्रेडियंट को ताकि अच्छे से दिखे, ये देखिए यहाँ से ये वाली इस तरह से, देखिए बहुत सारे पैटर्न है, पैटर्न ऐड करना अभी तो बताया था। और यहाँ से जो स्ट्रोक वाला ऑप्शन है इसको उठा दीजिए। स्ट्रोक वाला ऑप्शन एक्चुअली क्या करता है, तो ये स्ट्रक्चर वगैरह को जो है चेंज कर देता है। ये देखिए आपके सामने ब्लैक जो है इसके चारों तरफ जो अंडरलाइन आ रही है ब्लैक वाली, वो इसको मैनेज करता है। ये देखिए इस तरह से बैकग्राउंड जो है इसको एडिट करता है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ से जो कलर है उस पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से कोई भी कलर ले लीजिए। ग्रीन कलर में आपको लेकर दिखा देता हूँ, ये देखिए बैकग्राउंड में बहुत अच्छा कलर आ रहा है। और यहाँ से जो ग्रेडियंट है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए पीछे वाले ऑप्शन में मैंने बताया था, तो वहां पर देख लीजिएगा, ग्रेडियंट आपको मिल जाएगा। और ग्रेडियंट भी बैकग्राउंड में आप दे सकते हैं, कोई भी ग्रेडियंट इस तरह से, देखिए ये देखिए बहुत अच्छे से आप ग्रेडियंट दे पा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखिए टेक्स्ट। और उसके बाद में जो है यहाँ पर जो है आप इसे एंगल में जो है घुमा सकते हैं, एंगल में जो है इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, वो देख लीजिएगा मैनेज करके आप। और यहाँ से बहुत ही इजी जो है इसकी सेटिंग्स है। उसके बाद में ग्रेडियंट के बाद में पैटर्न है, पैटर्न के बारे में बता दिया, पैटर्न क्या होता है, तो पैटर्न भी आप सिलेक्ट करके देख लीजिए। ये देखिए बैकग्राउंड में पैटर्न आप डालने के लिए यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ये वाला पैटर्न देखिए बैकग्राउंड में आ चुका है, वो सामने आ रहा था अभी जो पैटर्न ओवरली में मैंने समझाया था। इस तरह से इसकी कुछ सेटिंग्स थी जो मैंने आपको बताई है, और जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने पिक्चर पर जो इमेज को है वो टेक्स्ट को आप लगा सकते हैं। यहाँ से देखिए और वाले जो टूल है इनके बारे में समझेंगे, एक्चुअली इन टूल्स का क्या यूज होता है अगले वीडियो में समझने से पहले मैं इस वीडियो में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका इनका इन सभी का यूज होता है, वहां पर मान लीजिए
आपको पिक्चर्स अपने टेक्स्ट के बीच में डालने हैं, यहाँ पर बीच में पिक्चर्स डालनी है, तो वो काम इससे आसानी से हो जाता है। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा पहले ही बन चुका है। तो पिक्चर्स पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंट की तरह है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा टेक्स्ट लेवल के एडवांस में सीखने के लिए। वैसे तो इसमें ही पूरा करना था, लेकिन वीडियो पहले ही काफी लंबा हो चुका है। अभी मैंने आपको दिखाया 19-20 मिनट का पहले हो चुका है, और अभी थोड़ा जो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे काफी अच्छा इफेक्ट है नेक्स्ट वीडियो में, और देखिएगा। सॉरी सर, माफी चाहूंगा दोस्तों, इसमें जो है मैंने पूरा टेक्स्ट 2 मिनट नहीं ले पाया, क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक था और ग्राफिक्स में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इसलिए बताना भी इंपॉर्टेंट, वरना मैं इग्नोर कर जाता। लेकिन मैं आपके साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूँ, तो आप सारी वीडियोज देखते चलिए। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।